brought to you by ITIL. रवि शास्त्री एक बार फिर से चर्चा में है। बेंगलुरु टेस्ट की कमेंट्री के दौरान उन्होंने ऑन एयर एक फैन पर कुछ कमेंट्स किए और जनता इस बात से नाखुश है। लोग सोशल मीडिया पर शास्त्री को खूब सुना रहे हैं। दरअसल शास्त्री ने मैच के दौरान आइसक्रीम खा रहे एक फैन पर कुछ कमेंट्स किए थे और ये जनता को ठीक नहीं लगे। दरअसल मैच के दौरान एक फैन आइसक्रीम खाता दिखा और इसे देख सुनील गावस्कर के साथ कमेंट्री कर रहे शास्त्री बोले, गर्मी है, आपको सच में इस आइसक्रीम की जरूरत है, लेकिन कोई छिप रहा है, वो एक बड़ी यूनिट है, ये आइसक्रीम बॉय है कहाँ? शास्त्री का साथ देते हुए गावस्कर बोले, वो असल में इसे छिपा रहे हैं क्योंकि उनके परिवार में जरूर किसी ने कहा होगा कि तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। शास्त्री ने इसके बाद कहा, और ये वापस आया कौन? आइसक्रीम गायब है लेकिन कौन सामने दिख रहा? वो एक बड़ा इंसान है, यहाँ सच में गर्मी है। शास्त्री के ये कमेंट्स लोगों को पसंद नहीं आए। एक व्यक्ति ने इस पर लिखा, आपको लाइव टेलीविजन पर उस व्यक्ति के शरीर का मजाक बनाने की जरूरत नहीं थी, उसे आइसक्रीम का आनंद उठाने दीजिए। एक और फैन ने लिखा, ये मजाकिया नहीं है रवि शास्त्री, बल्कि ये तो घृणास्पद है। आप ना सिर्फ किसी की शारीरिक संरचना का मजाक बना रहे हैं, बल्कि शायद आप किसी की बीमारी का भी मजाक बना रहे हैं, वो भी ग्लोबल फीड पर। एक और फैन ने लिखा, रवि शास्त्री की तरफ से घिनौना काम, लाइव टीवी पर किसी के शरीर का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। बात मैच की करें तो भारत को सिर्फ 40 रन पर समेटने के बाद न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 402 रन बनाए। टीम के लिए रचिन रविंद्र ने कमाल का शतक जड़ते हुए 134 रन की पारी खेली, जबकि डेविन कॉनवे ने 91 रन बनाए। टीम सऊदी ने 65 रन का योगदान दिया। भारत के लिए रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने 3-3, मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट्स निकाले, बुमराह और अश्विन को 1-1 विकेट मिला। जवाब में भारत ने सतर्क शुरुआत की, पहले विकेट के लिए 72 रन जोड़े गए। इसी टोटल पर यशस्वी जायसवाल 35 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा ने 52 रन की पारी खेली। इन दोनों के आउट होने के बाद सरफराज खान और विराट कोहली ने टेस्ट में वनडे खेलना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड के बॉलर्स के खिलाफ मनचाहे अंदाज में रन बनाए। 136 रन की ये साझेदारी दिन की आखिरी गेंद पर विराट के आउट होने से टूटी। विराट ने 102 गेंदों पर 70 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर वो विकेट के पीछे लपके गए। सरफराज 78 गेंदों पर 70 रन बनाकर नाबाद लौटे। दिन का खेल खत्म हुआ तो भारत ने 3 विकेट खोकर 231 रन बना लिए थे। टीम इंडिया अभी भी 125 रन से पीछे है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।